हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास जब एक सिस्टम में हो, ठीक है, जब एक सिस्टम में हो। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या था कि अब जब कोई पार्टिकल हो, जब कोई वस्तु हो, मोशन कर रही हो। लेकिन इसमें क्या होगा, जब कोई पार्टिकल हो, वस्तु हो, वो क्या होती है कि एक सिस्टम में काम करती है, एक सिस्टम में काम करती है, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल या वस्तु मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उस सिस्टम में वर्क करता हो, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं उसको, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। और क्लास के अंत में कुछ क्वेश्चंस रहेगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वो क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम में और IIT में, JEE में ये पूछे जाने वाला कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो उसमें आइए हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके बारे में हम देखते हैं कि सपोज इट, मान लीजिए कि कोई, हम लोगों ने पढ़ा है पीछे कि कोई भी पार्टिकल हो इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से कोई छोटा छोटा पार्टिकल है, इसमें ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस प्रकार छोटा छोटा है, ठीक है। इन सबको मिलाकर एक सिस्टम का निर्माण होता है, ठीक है, सिस्टम का निर्माण होता है। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कि R इज्कल टू ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज्कल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो हम लोगों ने एक चीज़ और देखा कि एसेलरेशन, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वी का वैल्यू निकल आती है, ठीक है। वी की वैल्यू निकल आती है, वी इज़कल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी को ज़ीरो कर दिया जाए, इसको ज़ीरो कर दिया जाए, तो देखिए अगर हम आर को ज़ीरो कर दें, जो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक स्थिर वस्तु हो, उसको ज़ीरो कर दें अगर, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, इसको हम करेंगे तो 0 इज़कल टू M1 R1 प्लस M2 R2, ठीक है। तो M1 R1 प्लस M2 R2 है, तो हमारा एक ये जो सिस्टम होता है, जो पार्टिकल होता है, वो जो सिस्टम होता है, वो एक स्थिर में होता है, ठीक है, वो स्थिर होता है, वो मोशन नहीं कर रहा होता है, तब का है। अगर वेलोसिटी इसमें आ गई, इसमें जो मोशन कर रहा है वेलोसिटी आ गई, तो अगर वेलोसिटी को ज़ीरो कर दें, तो जब पार्टिकल स्थित है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। तो ये इसको ज़ीरो कर दें तो 0 इज़कल टू क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2। अगर हम इसको वेलोसिटी को सेम कर दें, ठीक है, वेलोसिटी को सेम कर दें, तो अगर वेलोसिटी भी कर दें, इसको भी भी कर दें, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 0 इज़कल टू M1 V1 M1 V M2 V। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी सिस्टम होता है, सिस्टम जो है, सिस्टम को एक ही मान लें, M मान लें, वही जो स्पीड से चल रहा है वो चल रहा है, तो हम ये क्या करते हैं, M1 भी M2 भी, ठीक है, यही इसी वेग से चल रहा है, तो हम यह क्या करते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 डेडस PN, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। ये क्या है, मोमेंटम। P इज़कल टू क्या होता है एम वी। और क्या होता है, एक और आता है कि एक्सेलरेशन में A इज़कल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। तो एक्सेलरेशन क्या है, हमारा जीरो होकर कर दें, एक्सेलरेशन जब वस्तु स्टेट में हो, रुकी हुई हो, स्टॉप हो, तो एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर दें अगर, तो M1 V1 प्लस M2 V2, तो हमारा एक्सेलरेशन अगर रहेगा तो ए रहेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन जब रहेगा तो ए हो जाएगा, A1 A2। अगर हम इसको एक्सेलरेशन को सेम कर दें, एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, ठीक है, तो हमारा ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एम ए क्या होता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट FN। ये जो फोर्स है, फोर्स F1 F2 F3 FN जो है, ये F बराबर M A हम लोगों ने पढ़ा है ना, F इज़कल टू M A,
ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री एफ एन तक चला जाएगा, ठीक है। और इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो एफ वन एफ टू है ये इजकल टू जीरो तो है, ये इजकल टू हम इसको जीरो ले लेते हैं, बट इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि हम इसको जीरो क्यों लेते हैं, जीरो लेते हैं कि जीरो क्यों लेते हैं, मतलब देखिए ये सारा फोर्स जीरो नहीं होगा, ये जो फोर्स लग रहा है वो सारा फोर्स जीरो नहीं होगा। तो इसमें ये होगा कि देखिए यहाँ देख रहे हैं कि एफ वन है एफ टू है, तो एफ ये लिख सकते हैं एफ वन इज नॉट इजकल टू ज़ीरो, एफ टू इज नॉट इजकल टू ज़ीरो, एफ थ्री इज नॉट इजकल टू ज़ीरो, क्योंकि ये सारा ऐड करके ये जीरो हो सकता है, लेकिन एफ वन एफ टू इसको सिंगल अगर ले, सिंगल फोर्स को ले, तो ये जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर देखिए जीरो इजकल टू एफ वन की वैल्यू वन रख दें, एफ टू की वैल्यू माइनस वन रख दें, एफ थ्री की वैल्यू प्लस टू रख दें, एफ फोर की वैल्यू माइनस टू रख दें, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वैल्यू जीरो तो है नहीं, इसमें वैल्यू फोर्स की वैल्यू जीरो है नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको 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 चारों काट देंगे, तो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी वस्तु पर किसी सिस्टम पर लगा फोर्स वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, किसी सिस्टम पर लगा फोर्स वो जीरो नहीं हो सकता, सिंगल फोर्स जीरो नहीं हो सकता, सारा फोर्स मिलाकर ए टू जेड जितना फोर्स है वो मिलाकर क्या हो सकता है, ऐड करने पर हमारा जीरो निकल सकता है, ठीक है। और ये क्या है, मोमेंटम है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपका, ठीक है, यहाँ से निकल गया। अब इसके आगे देखते हैं, अगर हम इसको एक इम्पॉर्टेंट है फार्मूला के तौर पर हम उसको देखते हैं, अगर वस्तु क्या है, एक सेम डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है, वस्तु क्या है, जो फोर्स लग रहा है वस्तु पर, जो फोर्स है, फोर्स निकालें एफ नेट की वैल्यू जब निकालते हैं तो एफ नेट इजकल टू मान लीजिए कि उस पर लगा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हमारा क्या होगा, एफ नेट की वैल्यू अगर जीरो होगी, अगर एफ नेट की वैल्यू जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एफ नेट इस पर सपोज दैट ये मान लीजिए ये हमारी वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर वस्तु है एम वन द्रव्यमान की, तो यहाँ से इधर जाएगा और एफ नेट इस पर फोर्स है, या फोर लग रहा है, या टू लग रहा है, और एफ नेट इस पर लग रहा है, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं कि इस पर जो एफ नेट है, एफ नेट इजकल टू जीरो मान लीजिए कि इस पर लगा फोर्स जीरो है, एक सिस्टम पर हम इसमें वही बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात जो कर रहे हैं कि उस सिस्टम क्या है, जीरो है, सिस्टम की वैल्यू जो है वो जीरो है, लगा उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जो वस्तु है, जो आदमी है उस पर ही फोर्स लग रहा है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एफ नेट इजकल टू जीरो है अगर, तो बाहर से फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो वो क्या वस्तु होगी, वो मोशन भी नहीं करेगी। तो ए इजकल टू क्या होगा, ए इजकल टू जीरो, एफ नेट इजकल टू क्या, ए नेट इजकल टू जीरो होगा, तो या फिर एफ नेट, ठीक है, एफ नेट इजकल टू जीरो, तो भी जीरो होगा, ठीक है, भी जीरो होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ए जो लगेगा, ए वन इजकल टू जीरो, ए टू इजकल टू जीरो, ए थ्री इजकल टू जीरो, ए एन इजकल टू जीरो, ये हमारा एक्सेलरेशन भी सारा जीरो होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए कि इस पर कुछ क्वेश्चन बनता है, इसी कंसेप्ट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, तो हमारा वेलोसिटी क्या होगी, भी इजकल टू कॉन्स्टेंट, भी कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो होना ही है, ठीक है, भी कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होना है, ठीक है, भी कॉम। उसके आगे देखते हैं, उसके जस्ट आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके आगे हम चलते हैं इसको हटाने के बाद कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए दो दो कोई सिस्टम है, दो पार्टिकल हैं। क्वेश्चन पहला है आपका कि दो पार्टिकल, सपोज दैट मान लीजिए ये है और ये, ठीक है, ये है M1 द्रव्यमान का, ये M2 द्रव्यमान का, ठीक है, और ये इधर से रास्ता जा रहा है, और ये क्या है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इसका है, यहाँ क्या है,
सेंटर ऑफ मास है, और ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर आ रहा है। अगर सपोज पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि अगर अगर ये सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता है, अगर कोई भी पार्टिकल M2 हो या M1 हो, वो अगर सेंटर की ओर जा रहा है, एक एक क्या है कि स्थिर है, एक स्टेट है, और एक क्या है सेंटर की ओर जा रहा है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जो मोशन कर रहा है उसके करीब आएगा, जो मोशन कर रहा है उसके करीब आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि M1 है, ये M2 है, तो हमारा M1 इधर की ओर आ रहा है, M2 इधर की ओर जा रहा है, M2 इधर की ओर आ रहा है, M1 इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। देखिए F is equal to zero, ये इस पर फोर्स कोई नहीं लग रहा है, फोर्स कोई नहीं लग रहा है, तो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। F देखिए एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा, और भी क्या होगा, भी कोण वेलोसिटी या सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। अगर भी कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट होगा, और एफ नेट इज इक्वल टू क्या है, ये क्या है कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ये हमारा ये जो है इधर की ओर मोशन कर रहा है, ये इधर की ओर मोशन कर रहा है, तो इस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है, जो सिस्टम है, वो सेम डायरेक्शन में, देखिए ये इधर की ओर आ रहा है, ये इधर की ओर आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास दोनों मोशन कर रहे हैं, तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहीं पर रुका रहेगा, बीचों बीच रहेगा, तो हमारा सेंटर ऑफ मास इज सेम। ठीक है, हमारा पहले जैसा रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको हम देखते हैं, इसको देखते हुए अगर हम कोई चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, कोई चार्ज यानी ऐसा चार्ज कि वो दोनों सेम हो, ठीक है, दोनों उस पर क्या हो, सेम चार्ज हो, दोनों आवेशों पर सेम चार्ज हो, क्या है कि अगर मान लीजिए Q प्लस लेते हैं, ठीक है, ये चार्ज किससे इंडिकेट करते हैं, Q से, ठीक है, Q इज देखिए सपोज दैट किसी दो चार्ज को लेते हैं, आपका सेकेंड क्वेश्चन है, किसी दो चार्ज को लेते हैं, यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, ये Q1 Q2 है, अगर ये वाला सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है इसका, अगर ये वाला इधर की ओर जा रहा है तो ये वाला क्या होगा, इधर की ओर जाएगा, अगर ये वाला इधर की ओर जा रहा है तो ये वाला इधर की ओर जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये वाला इधर की ओर आएगा Q1 की ओर, तो क्या होगा, Q1 की ओर आएगा तो ये वाला इधर की ओर आएगा इस डायरेक्शन में, और Q1 इधर की ओर जाएगा तो ये वाला भी इधर की ओर जाएगा। ठीक है, तो Q1 हो गया, ये सेंटर ऑफ मास इतना है, दोनों मोशन कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या है, मोशन कर रहे हैं, तो मोशन करने का ये अर्थ हुआ कि इस पर क्या होगा फोर्स, पिछला क्वेश्चन देखें हम लोग कि इस पर एफ नेट क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, और एक्सेलरेशन क्या है, ए कॉम इज इक्वल टू जीरो, अगर ए क्या देखिए ये भी कॉम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो हमारा ए कॉम क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये भी क्या होगा, जीरो होगा, ये हमारा जीरो होगा। एफ नेट क्या है, हमारा जो एफ नेट है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है, वो अगर जीरो लग रहा है तो एफ कॉम कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये एफ यहाँ पर देख रहे हैं, पीछे हम लोग क्वेश्चन देखा है कि उस पर क्या था कि एक तरफ चल रहा था ना, ये पार्टिकल था इस प्रकार से, ये भी इस प्रकार से पार्टिकल था। ठीक है, तो ये वाला इधर चल रहा था, तो ये वाला इधर चल रहा था, इसका सेंटर ऑफ मास ये एक दूसरे को मतलब कि रिपेल कर रहे थे। ठीक है, वे रिपेल करते, अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, और ये वाला क्या है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, क्या है, प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस दोनों है ना, तो प्लस प्लस चार्ज रहता है, अगर माइनस माइनस चार्ज रहे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो अगर यहाँ पर माइनस कर दिया जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ये क्या गए, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये कांस्टेंट जो है वेरिएबल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वेरिएबल हो जाएगा, ये भी कॉम इज इक्वल टू क्या है, ये वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो है एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर ये वेरिएबल हो जाएगा, हम इसको समझाने के लिए लिखे थे आपको
कि यहाँ पर पिछली समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गलती करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या होगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये क्या है, एक दूसरे की एक दूसरे से दूर जाएगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, तो ये क्या है, एसेलेशन जो है, एसेलेशन हमेशा चेंज होता रहेगा। तो एसेलेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम कह सकते हैं कि ए वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमारा ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एफ नेट जीरो हो सकता है, लेकिन एफ कॉम जो है, एफ ये जो है, ये वेरिएबल ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम दूसरा अगला टॉपिक देखें, तो हमारा अगला टॉपिक है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसको हटाते हैं, इसको हटाकर अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक है आपका, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस पर दो क्वेश्चन होगा, हो गया, जो इम्पोर्टेंट बताए थे उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और हमारा ये निकल ये आया, इफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज रेस्ट, ठीक है। इफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज रेस्ट, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब रेस्ट पर हो तब हमारा किस प्रकार से एफ नेट लगता है, फोर्स लगता है, एसेलेरेशन लगता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा कि एफ कॉम जो है, जो ये वैल्यू है, सपोज दैट मान लीजिए कोई पार्टिकल इस प्रकार से है, ये वाला, ठीक है। तो हमारा इस पे देखेंगे, जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल रेस्ट पर हो गया, एम वन है, ये रेस्ट पर होगा, तो हमारा ये एक सिस्टम जो बोले है ना, कि इस पर बाहरी फोर्स नहीं लगेगा, इस पर जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स तो वही रहेगा। देखिए, तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो और देखते हैं कि एसेलेरेशन जो इसका है, एसेलेरेशन, इस पर अगर बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, अगर वस्तु रेस्ट पर है, तो भी क्या है, भी कॉम ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो ए कॉम क्या होगा, इक्वल टू ये क्या होगा, जीरो होगा। इस पर देखिए, वस्तु जब रेस्ट पर है, यहाँ पर हम देखे हैं ना कि इफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज रेस्ट, तो हमारा क्या है, एम वन क्या है, एम वन ये रेस्ट पर है, तो एफ नेट होगा, जो इस पर बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। एफ कॉम क्या है, कॉन्स्टेंट है, ए कॉम क्या है, एसेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो हो गया, ठीक है, ये हमारा जीरो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा इसका छोटे से पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये वाला अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, अगर वस्तु रेस्ट पर है, तो आर इजकल टू क्या होगा हमारा, तो हमारा हम लोगों ने देखा है आर इजकल टू जीरो होगा। तो हमारा ये फार्मूला था कि आर इजकल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपान क्या होगा, एम वन प्लस एम टू, ये वाला फार्मूला हम लोगों ने देखा था ना। तो अगर आर इजकल टू जीरो कर दिया जाए, तो हमारा एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू ये वाला निकल कर आ जाएगा, ये वाला फार्मूला निकल कर आ गया। तो अगर इस पार्टिकल को, ये डिस्प्लेसमेंट को, अगर डी आर वन डी आर लेते हैं, ठीक है, डी आर इजकल टू क्या होगा, जीरो। अगर आर इजकल टू जीरो है, तो डी आर इजकल टू क्या होगा, जीरो होगा, इसका छोटा भी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोगों ने देखा है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, कि बड़े छोटे छोटे पार्ट को बड़ा बनाकर उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और ये वाला डिफ्रेंसिएशन जो होता है, वो बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो हम इसी पार्ट को, इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर इजकल टू जीरो, बट हम डी आर से इंडिकेट करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हमको पता चले, ठीक है। अगर सपोज एट मान लीजिए इस पर एक क्वेश्चन आता है कि आपका तीसरा क्वेश्चन है कि सपोज एट मान लीजिए कि एक पानी में नाव चल रही है, ठीक है, एक पानी में नाव चल रही है, उसकी लंबाई क्या है, नाव की लंबाई है, कोई भी लंबाई मान लीजिए, दो तीन चार जो भी आपको मानना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तीसरा है कि सपोज एंड मान लीजिए इस प्रकार से नाव है, ठीक, ये क्या है, नाव है आपकी, ठीक, ये नाव हो गई, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 4 मीटर है, ठीक, यहाँ 4 मीटर हो गई। और क्या है कि एक मनुष्य यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, एक मनुष्य क्या है, यहाँ पर खड़ा है, और ये क्या करता है कि इस पर नाव में चलता है, ठीक है, ये चारों तरफ पानी है, ठीक,
ये पानी हो गया, ये नाव पानी में चल रही है, और एक मनुष्य क्या है कि यहीं पर है, ये 40 केजी का है, ठीक है, और ये सपोज मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए इसको 50 केजी का है, ये मनुष्य क्या है 50 केजी का है। अगर हम देखते हैं कि अगर ये आदमी नाव पर चल रहा है, अगर आप भी नाव पर चले होंगे तो नाव पर अगर वो आदमी चल रहा है तो नाव क्या होगी, पीछे की ओर आएगी, नाव क्या है पीछे की ओर आएगी इस प्रकार से, तो हम आगे चल रहे हैं तो वो नाव पीछे की ओर आएगी, हम इसको उस पर धक्का दे रहे हैं। फ्रैक्शन में आप लोगों को पढ़ा है ना कि जो हमारी वस्तु होती है, ये पृथ्वी बहुत वजन है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो होता है, अगर वस्तु दूसरी वस्तु हमारी वस्तु हमारे हमारे वेट से कम वेट की है तो हम अगर चलेंगे तो वो पीछे की ओर आएगी, ठीक है, हम उस पर फ्रैक्शन दे रहे हैं, घर्षण दे रहे हैं और बल दे रहे हैं, तो वो पीछे की ओर आएगी, हम और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से ये जब नाव में चलेगा, अंदर जाएगा, तो ये नाव क्या होगी, ये एक्स मीटर पीछे की ओर आ जाएगी, एक्स मीटर क्या होगी पीछे की ओर आ जाएगी, और ये वस्तु ये आदमी क्या है, ये आदमी अंदर की ओर जाएगा, ये 40 केजी का है और ये 50 केजी है। और इसमें एक और आता है कि ये इस पर एफ नेट इजकल टू क्या होगा, एफ नेट इजकल टू जीरो, यानी इस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा इजकल टू जीरो, एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। और एक्स मीटर की ओर पीछे की ओर आ रहा है, ये चार ये पूरा नाव जो है 4 मीटर की है, ये 40 केजी की है, ये पूरी नाव 40 केजी की है और ये क्या है 50 केजी का है। तो इस पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, जो नाव रेस्ट पर है और हम चल रहे हैं, तो हमारा एक फार्मूला है R इजकल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2, यही था ना फार्मूला आपका, ये वाला फार्मूला था। अगर हम इसमें देखें कि इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू, कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बोट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बोट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका निकालना है। तो हम ये क्या कर सकते हैं कि m1 देखिए ना कि ये r इजकल टू इतना है, ठीक है, तो m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक, तो अगर हम इसको जीरो कर दें, r की वैल्यू अगर जीरो कर दें, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू निकालना है ना, r की वैल्यू अगर जीरो कर दें हम, तो देखिए क्या होता है कि m1 क्या है, इसकी वैल्यू रख देते हैं, m1 ये है, m2 ये है, ठीक है, तो हमारा देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 मीटर इधर और एक्स मीटर इधर, तो हमारा क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू 60 है, ठीक है, 50 है, mn की वैल्यू 50 है, x1 की वैल्यू क्या है, ये 4 है और ये किधर है, एक्स मीटर पीछे की ओर आ रहा है, तो माइनस में होगा ना, तो 4 - x हो जाएगा, प्लस 4 - x हो गया और ये 40 है, m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 40 हो गई, 40 और -x, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 0, तो हमारा 200 - 50x प्लस -40x, ठीक है, इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया। तो अगर हम ये r की वैल्यू 0 रखे हैं ना, इक्वल टू क्या है 0, तो m1 m2 क्या है इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारा 0 इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। ये जो हम पीछे फार्मूला पढ़े हैं कि जो dr1 लगाकर हम कर रहे थे, तो हमारा क्या था, ये 0 अगर नहीं मान के करें तो हमारा 3, अगर मान लीजिए ये 2 पर है ना, 2 पार्टिकल है, अगर 3 पार्टिकल रहेगा तो किस प्रकार से वर्क करेगा, वो वाला फार्मूला ये वाला लगेगा, ये वाला फार्मूला उस पर, लेकिन ये जो वस्तु रेस्ट पर है उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या होगा आंसर, कि यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं कि 200 हो जाएगा यहाँ पे, और 50x और 40x कितना होगा, -90x हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसको अगर इधर करें, यहाँ से विस्थापित करें इसको, तो हमारा 200 हो जाएगा ये इक्वल टू 90x, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जब, तो हमारा निकल कर आएगा कि x इक्वल टू 200/90, 0 कट गया, 20/9, यानी x इजकल टू 20/9, ये निकल के x इजकल टू हमारा आंसर आ जाएगा, तो 2 बार जाएगा और 2.222, यही हमारा x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2.222, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन, कि अगर सपोज इट मान लीजिए, एक और क्वेश्चन आता है कि
अगर मान लीजिए कि कोई बंदर है, ठीक, कोई बंदर है और एक रस्सी पर चढ़ रहा है, या फिर कोई आदमी ही है, किसी रस्सी पर चढ़ रहा है, यहाँ से इसको हटाते हैं। हटाने के बाद उसको देखते हैं, ठीक है, कोई आदमी है उस रस्सी पर चढ़ रहा है और उस पर बैलून बंधा हुआ है, ठीक है, वो रस्सी क्या है, रबड़ की रस्सी है, या फिर एक रबड़ की रस्सी को किसी दीवार से बांध कर या खींचते हैं या फिर उस पर चढ़ते हैं, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे एक रस्सी लटकी हुई है, वो क्या है, रबड़ की रस्सी, और एक आदमी जो है, एक आदमी, ठीक है, एक आदमी जो है इस पर चढ़ रहा है, ठीक है, कोई बंदर ही है, आदमी है, कुछ भी मान लीजिए, इस पर चढ़ रहा है, इस पर ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि ए हो गया, ये बी हो गया, ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमारा ये रबड़ की है, जब जब कोई रबड़ की वस्तु को इस प्रकार से खींचते हैं तो वो बढ़ती है ना, बढ़ती है, तो हम यहाँ का ये क्या देखते हैं कि अगर ये वस्तु ये ऊपर की ओर चढ़ा है, मान लीजिए कि ये 20 kg का है, ठीक है, 20 kg का है, और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमारा ये क्या होगा, ये नीचे की ओर आएगा, ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। सपोज इट मान लीजिए कि एक्स मीटर नीचे की ओर आया, ये 20 kg का है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये एक्स मीटर नीचे की ओर आ गया, ठीक। और हम देखते हैं कि ये दूसरा पार्टिकल जो है, यहाँ पर ये जो रखा हुआ है दूसरा पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, वो मान लीजिए कि ये क्या है कि 30 kg का है, ठीक, ये 20 kg का है और ये 30 kg का है, और ये वाला जो ये जो आदमी है या बंदर है, जो भी है, जो भी मान रहे हैं आप, तो ये क्या करता है कि ये 3 meter ऊपर की ओर गया, ठीक है, ये 3 meter ऊपर की ओर गया, और ये क्या है कि अगर खींचेगा नीचे तो ये 3 meter हो गया। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h मीटर है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, h मीटर है, और ये बंदर क्या किया, जब चढ़ रहा है, ये बंदर जो चढ़ रहा है तो x मीटर नीचे की ओर आ गया, तो हम इसमें देखते हैं कि पूरी दूरी तो l थी, h थी, तो हम क्या करते हैं, ये 30 kg का है, 20 kg का है, तो हमारा क्या होगा कि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, R इज्कल टू m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2, हम लोगों ने पढ़ा R इज्कल टू जीरो मान लें, तो 0 इज्कल टू m1 r1 plus m2 r2, ठीक है, ये वाला। अब इस पर हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है, तो हमारे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि ये m1 की वैल्यू क्या है, 20 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट r1 हो रहा है, तो r1 की वैल्यू क्या है, h माइनस x, ठीक है, h माइनस x है, तो h की वैल्यू मान लीजिए कि 10 meter है, ठीक है, 10 meter है, और ये क्या है, x मीटर नीचे आ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू को हम 10 मान सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए अगर ये वाली वस्तु, ठीक है, ये जब बंदर ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारा क्या होगा कि ये 10 meter ऊपर की ओर, अगर ये 8 meter चढ़ेगा तो ये लगेगा कि ये नीचे की ओर आएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स के वैल्यू को 2 मान ले तो हमारा 8 meter चढ़ेगा तो लगेगा कि बंदर 10 meter पूरे चढ़ गया है, ठीक है, तो 2 meter भी बचा हुआ है, 10 meter भी चढ़ जाएगा तो ये 2 meter नीचे की ओर आ जाएगा, लगेगा कि बंदर क्या है कि हमारा 2 meter बंदर का बचा हुआ है चढ़ने के लिए, तो हमारा 10 - x हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 20 है, जो 30 है, 30, और जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, माइनस x का हुआ, नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, 0 इज्कल टू 200 हो जाएगा, माइनस 20x हो जाएगा, 20x हो जाएगा, माइनस 30x, ठीक है, तो हमारा कितना होगा, ये इधर आएगा तो 200 आ जाएगा, इज्कल टू 200 इज्कल टू 30, और 20 कितना होगा, 50x हो जाएगा, माइनस 50x हो जाएगा, तो ये वाला भी माइनस होगा, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारा 200 आ जाएगा, इज्कल टू 50 है, अपॉन 50 इज्कल टू x हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, x इज्कल टू क्या आया, 4 आया, यानी x की वैल्यू 4 आ गई, ये हमारा निकल कर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये वाला इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो हम इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है, और
ये चौथा क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस यूनिट में क्वेश्चन ज़्यादा लगाना है, और आप लोग अपने बुक से निकाल को क्वेश्चन आराम से लगाइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि नाव, और नाव पर ही है कि अगर सपोज दैट मान लीजिए कि एक नाव, ठीक है, उस पर दो आदमी हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि एक आदमी रहेगा तब, एक आदमी चलेगा तब क्या होगा। अगर नाव पर दो आदमी है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, ये इधर की ओर आ रहा है, ये इधर की ओर आ रहा है, डायरेक्शन उसका अपोजिट है, ये पांचवा है, ठीक है, उसका पांचवा क्वेश्चन। सपोज एंड मान लीजिए कि ये नाव है, ठीक, और इस पर क्या है, ये नाव है आपकी, इस पर ये सपोज दैट मान लीजिए 5 मीटर की है, ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी जो है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर भी एक आदमी खड़ा है, और यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए ये 50 kg की है, और ये आदमी क्या है 40 kg का है, और ये आदमी क्या है 30 kg का है, ठीक है, ये 30 kg का, ये 50 kg का हो गया। तो अगर मान लीजिए कि ये आदमी इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, और ये आदमी इधर की ओर आ रहा है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, ये आदमी जो इधर की ओर जा रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर होगा, होगा ना, एक्स मीटर मान लीजिए, और ये आदमी जो इधर की ओर आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर होगा। ये नाव अगर ये रुक जाए तो ये चलेगा तो इधर की ओर ना जाएगी, और ये इधर की ओर आ रहा है तो, और ये इधर की ओर जाएगा तो ये नाव इधर की ओर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं सपोज दैट मान लीजिए कि ये 2x जा रहा है, ठीक है, ये हमारा 2x उधर की ओर जा रहा है और x इधर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला हो, फाइंड द, ये अगर क्वेश्चन दे दिया आपको कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बोट, ठीक है, और हम इस पर देखते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट पर, ये इस पर नाव पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है तो एफ नेट इजकल टू क्या होगा, 0 होगा, और तब क्या होगा कि ये जो भी है ये तो बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है तो हमारा वेलोसिटी भी क्या होगी, भी कॉम इजकल टू कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है, तो हमारा ए कॉम क्या होगा, इजकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ए भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है आर, ये पूरे सिस्टम का, तो पूरे सिस्टम में, एक सिस्टम में हो रहा है ना, ये अगर मान लें एक सिस्टम में, तो पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है तो इजकल टू क्या होगा, 0 होगा। तो आर इजकल टू 0 अगर मान लें तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि आर इजकल टू ये 0 इजकल टू m1r1 + m2r2, ये पढ़ा है हम लोगों ना। तो हम इस पर क्या करते हैं, इसको हम रख लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको इसमें रखते हैं तो देखिए क्या है कि हम बोले थे आपको ना कि ऐसा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको तो 3 फार्मूले पड़ेगा। देखिए, एक ये पार्टिकल होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मान लीजिए 1 है और ये 2 है तो ये क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर 3 हो जाएगा तो इसमें M1 है, M2 है, तो प्लस में एक और बढ़ जाएगा, प्लस M3R3, ठीक है। अब इस पर सॉल्व होगा, हम लोगों ने देखा पीछे कि दो, वो फार्मूला हम बताए थे आपको ना, जो इम्पोर्टेंट हम कहे थे कि F is not equal to zero, हमेशा F not equal to zero के होता है। अगर एसेलेरेशन भी इसमें हो रहा हो तो वो क्या होगा, एसेलेरेशन हमेशा 0 नहीं होता है, ठीक है। तो हम M1 R1 M2 R2 M3 R3 ये देख लिए, अगर इस पर हम उस वैल्यू को रखें, इस पर उस वैल्यू को रखें, तो हम उस वैल्यू को रखते हैं तो M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू 50 है, M1 की वैल्यू क्या है, 50 है। तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर रखते हैं, सपोज दैट मान लीजिए M1 इसको मान लीजिए, किसी को मान लीजिए M1, तो M1 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो हमारा क्या है कि यहाँ पर अगर देखिए ये 2 मीटर इधर की ओर जा रहा है और ये क्या है 2 मीटर इधर की ओर आ रहा है, ये 5 मीटर की है, ठीक है, 5 मीटर की है, और 2 मीटर इधर की ओर जा रहा है, ये वाला 2 मीटर इधर की ओर आ रहा है। तो हम देखते हैं कि 0 इजकल टू एम की वैल्यू, M1 की वैल्यू क्या है, M1 की वैल्यू 40 है,
और ये कितना आ रहा है, ये जब आगे बढ़ रहा है तो ये पीछे की ओर आ रहा है, तो ये 2 मीटर इधर, एक्स मीटर इधर, 2 - x, ठीक है, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 मीटर देखिए ये वाला इधर आ रहा है, तो ये 2x इधर की ओर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा ये कितना है, 30 kg का है, एम टू की वैल्यू कितनी है, 30 kg है, तो हम क्या करते हैं 30, और यहाँ क्या होगा, 2 मीटर इधर की ओर जा रहा है, ये 2 मीटर इधर की ओर, 2 - 2x, ठीक है, ये माइनस में रहेगा, ठीक है, ये माइनस में रहेगा, ये में से क्या है, माइनस में रहेगा, क्योंकि ये पीछे की ओर जा रहा है ना, पीछे की ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस में होगा, तो ये माइनस में हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा सिस्टम माइनस में रहेगा, ये 30 इंटू है, 30 - 2 + 2x, और क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा 50 kg का है, 50 kg, और ये क्या है कि माइनस में चल रहा है ना, ये देखिए ये 50 kg है, और इधर की ओर क्या रहा है, माइनस में चल रहा है, तो हमारा 2x इधर की ओर है, x इधर की ओर, तो हमारा 2x माइनस में चल रहा है, माइनस x, ठीक है, ये हमारा हो गया सिस्टम, 2x - 2 - x हो गया, और हमारा ये क्या है कि माइनस में हो गया, ये वाला क्या था, ये वाला माइनस में था, तो 2x इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर इसको हम करें तो -2x और -2 ये लिख सकते हैं ना, 2x - 2 हम लिख सकते हैं, तो हम इसको 2x नहीं लिखकर, यहाँ पे जो 2x जा रहा है पीछे की ओर, तो 2x इधर की ओर जा रहा है, x इधर की ओर आ रहा है, तो हमारा एक्सेलेरेटर नहीं इधर की ओर जा रहा है, तो हमारा x इधर यहाँ पर होगा, ठीक है, x यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 = तो 80 हो जाएगा, -40 हो जाएगा, प्लस ये 30 है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, -30x हो जाएगा, 30x - 60 हो जाएगा, प्लस माइनस में -50x, ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, = 80 हो गया यहाँ पे, 80 - 40x, यहाँ पे 80 ये हो गया, 60 ये हो गया, तो अगर 80 में से 60 घटेगा तो हमारा कितना आएगा, 20 आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ गया, ये 40 है, ये 30 है, ये 50x है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें, तो हमारा ये निकल कर आएगा कि 40x 30x क्या होगा, 70 हो जाएगा, 70 और 5 क्या होगा, 70 और 50 120 हो जाएगा, -120 = क्या होगा, 0 हो जाएगा, इतना = 0, x = 0 = क्या होगा, हमारा 0 = अगर हम यहाँ पर 2 - x है, +30 है, ठीक है, 2 - x + 30, और 30 - x - 2 +50 - x हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो हमारा ये निकल कर आएगा कि ये 30 है तो इधर जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया, तो हमारा 120 इधर निकल कर आया गया, 120 = x = 20, तो हमारा निकल कर गया s = 20/120, कट गया, तो हमारा आएगा 1/6, लेकिन ये क्या है, कहीं मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, तो मिस्टेक इसलिए हो रहा है हमारा कि m1 40 है, 2 - x है, तो 2 - 2 इधर की ओर जा रहा है, x माइनस इधर की ओर आया, 2 - x हो गया, तो +30 है, तो 30 इधर है, तो हमारा क्या है कि 2x मीटर इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, 2x मीटर इधर की ओर जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस की ओर जा रहा है, इधर माइनस है, और -2 मीटर इधर की ओर, +2 मीटर इधर की ओर जा रहा है, तो ये +2 हो जाएगा, तो हमारा +2 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 60 क्या होगा, 140 हो जाएगा, 140 यहाँ पर 120 रहेगा, यहाँ पर 140 हो जाएगा, 140, तो यहाँ पर क्या होगा, 140 = 120x, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा 140/120 = x हो जाएगा, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया, तो हमारा 2 से 7/6 = x हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 1.1, ठीक है, 1.16 = x,
हमारा x की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी 1.16 इधर की ओर आएगा। और इसको अगर हम मान लें कि ये x मीटर इधर की ओर जा रहा है ना, इसको x ही मीटर मान लीजिए, x2 मान लीजिए तब, ठीक है, तो x2 इधर की ओर जा रहा है। या फिर देखिए ये क्या है, 40 है, तो 40 इधर की ओर जा रहा है, तो x2 की वैल्यू निकालना है, तो हम इसमें इसमें रख देंगे, इसमें x मीटर इधर की, इसको भी x मीटर मान लीजिए, ठीक है, तो हमारा निकल के क्या आएगा, 1.16 मीटर भी इधर की ओर जा रहा है, ठीक। ये आपको समझ में आ रहा है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, कुछ समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको जितने भी वीडियोज आ रही हैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, उस पर जुड़ जाएं, क्योंकि उस पर हम क्या करते हैं कि ये वीडियो और DPP जो होती है वो आपको उस पर देते हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल से जुड़ें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है।